रामपुर के समीप पसाड़ा खड्ड के साथ भारी भूस्खलन होने से एनएच पर भारी चट्टान गिरने से एनएच पूरी तरह ठप्प हो गया है। रामपुर से किन्नौर की ओर जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें पसाड़ा में लग गई हैं, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा मार्ग को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही कोई विभागीय अधिकारी या पुलिस का जवान मौके पर भी नहीं है। इसके अलावा बरौनी खड्ड में करीब 1 किलोमीटर मार्ग धस गया है तथा मार्ग पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। इसके अलावा यहाँ से पैदल गुजरना भी खासा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी के ऊपर से मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भूस्खलन का कारण साथ लगा स्टोन क्रशर बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अवैज्ञानिक ढंग से खनन कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद भी स्टोन क्रशर संचालक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात है कि मार्ग पर चट्टाने कई घंटे से गिरी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी मौके का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।